जय सिद्ध बली बाबा की, जय बद्री केदार, जय हरि हरिद्वार, जय इष्ट कुल देवता, जय पितृ देवताओं की, जय सभी देवी देवताओं की, जय। तो दगड़ियों यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत। मालती गौर फिर से एक बार आपको समय ब्लॉग लेके थोड़ी छोटो सी दगड़ियों, आज को मांगल कार्यक्रम से हमारे ग्राम सिपुर माँ निकट हनुमान मंदिर, हनुमान जी का श्री चरणों से थोड़ी सी दूरी पर परिंडियाल जी, आदरणीय परिंडियाल जी के सुपुत्री का शुभ विवाह हो रही हूँ चाज, और ये बाणों को लग्न हो रही है, और ये तैयारी हमारी सीधा अभी जोला हम पूरी टीम का दगड़मा मंदिर में, तो शिव जी मंदिर में जोला। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, और आप सब तो मेरे प्रणाम। कलश ही देखो, चार कलश देखना वाला आप एक, ये चार कलश दगड़ी ये हम कण से। तो आप लोगों को कुछ ये रीति रिवाज लड़की पक्ष वालों को कि मंदिर जंदी, और मंदिर दुल्हन का दगड़ में जंदी, और दुल्हन तो मंदिर में लेके पूजा पाठ भगवान श्री हरि जी का श्री चरणों से आशीर्वाद ले, माँ भगवती का आशीर्वाद लेके, माता रानी का आशीर्वाद ले कर मंदिर से के, तो दुल्हन मंदिर में जाली। ढोल डमो का दगड़ माँ, हमारा ढोल डमो बंद देने साइड में बैठा छी, वो भी तैयार हुआ छी। ज्योलिक दगड़ माँ हम चार मंगलेर भी ज्योलिक दगड़ जोला, और मंदिर में जाएगी माँ भगवती की कृपा आशीर्वाद लेके ओला, और कथन अनुसार परंपरा अनुसार कलश बड़ो कलश जो जल हूँ वे जल से ब्योले स्नान कर ली, तो वो कलश हमारे ब्योले द्वारा वह मंदिर भटे की सीधा वही जगह पर पहुँचल, जख ब्योली बाना वाला बानों का स्थान वाला जख वह हम ले जाए लो, और वह हम बाद जो बाना समापन होना बाद वो एक जल से ब्योले स्नान कर दो। तो बहुत ही अच्छी परंपरा, बहुत ही अच्छू रीति रिवाज, एक शुभ मने जान कलश। तो देखो दगड़ियों आप लोग भी भगवान का अनुसरण कर सकते हो, जो अच्छा रीति रिवाज अपना सकते, क्योंकि हमारे लोक परंपरा छी, पुराने हमारा रीति रिवाज छी। भगवान का नाम लेके हर काम संपन्न हो, भगवान से ही हम लोग शुरुआत चर, भगवान से ही हमार अंत चले, हम तो बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, अच्छु काम करना चाहिए, शुभ कार्य में खास तरह हम तो भगवान स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि निर्विघ्न कार्य सु सर्वदा, तो भगवान नाम से हमारे कार्य जो निर्विघ्न निबद, इले देवताओं नाम सुमिरन बहुत जरूरी है। तो आप थे अग्नि ले चल दो हम आप रीति रिवाज दगड़ में, इन्हें हमारे ये ओ जी बंधु भाई छी, घाम तपना छी, ओहो जय श्री राम, जय श्री राम, बजा भाई बजा ढोल बजा जगड़े। से करेंगे राम जी से, हाँ प्रभु राम आए हैं तो राम जी का स्वागत हमसे आज जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है। संगीतमय संगीत के साथ में भगवान राम जी के आगमन की हम बिल्कुल तैयारी में हैं, जोर शोर से तो, है तो चलाओ लगा दो ये घड़ा, ये घण बजा दो सा, मेरे घर राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, लगे राम आए।
दुल्हन की बड़ डाली तैयार। और अभी हम दुल्हन घर में छुआ और जो विभाग और कार्यक्रम बानो कार्यक्रम सब वेडिंग पॉइंट में चार आपका ले चल सीधा दुल्हन से। तो ये हमारी बालिका आज की कन्या, थैंक यू और बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको और माँ भगवती की कृपा पर बनी रहे, निर्विघ्न कार्य निभे और सिद्ध बलि बाबा का आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे, हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे, बर्बादों की जोड़ी हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और दीर्घायु रहे और बुद्धिवान हो, यशस्वी हो, धन्यवाद, मंगलमय हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी लड़की जय सर। आपका नाम क्या है? आकांक्षा। आकांक्षा है तो आपसे बहुत आशाएं भी है नहीं, नहीं, और आकांक्षा है ससुराल पक्ष की भी है, माय के पक्ष की भी है। ठीक है, बहुत ही सुंदर, जैसे यथो नाम दिन बनाया मेरा, आप देख रहे कितनी सुंदर लड़की है और जैसे दिख रहे वैसे उसके गुण भी है, उतनी सादगी, बहुत अच्छी कोमल व्यवहार, बहुत अच्छा ऐसे ही बना रहे, कृपा दृष्टि भगवान की। और ये छोटे बहन के छोटे मेहमान लोग हैं, आपका भी स्वागत है, आपको भी शुभकामनाएं। ससुर जी सुनो, ससुर जी अब जिद छोड़ो और जल्दी दौड़ो वेडिंग में, जल्दी दौड़ो। सुनो ससुर जी और दुल्हन की मम्मी से मिलाती हूँ। तो ये हमारे दुल्हन मम्मी देखो सकल मिल नीचे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आराम निमंत्रण दे एक वास्ते, धन्यवाद आपसे, साधुवाद बहुत बहुत और भगवान कृपा आप पर बने रहे, माँ भगवती कृपा बने रहे, आपका संस्कार हमेशा इन रहे जीवित, बहुत अच्छा लगी हम दई। अभी हम कलश यात्रा हम जाना चाहूंगा मंदिर में, तो बहुत ही सुंदर। तो परिंडियाल जी परिवार का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब पापा जी कब जी पापा बाहर पूजा करना समझे? अच्छा अच्छा अच्छा, दगड़े परिवार और ये हमारी भली बानी नहीं हुई जरा इधर देख, जय हनुमान, जय श्री राम, जय सिद्ध बलि भगवान की जय।